बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी खवातीन हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ बुध के दिन का अमल शेयर करना चाहती हूँ। बुध का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये अल्लाह की तख्लीक का अव्वल दिन है। बुध के दिन अल्लाह पाक ने कायनात का आगाज़ किया। अल्लाह पाक ने ज़मीनों आसमान को 6 दिन में बनाया, लेकिन बुध के दिन से ज़मीन की तख्लीक का आगाज़ किया। हज़रत आदम अलैह सलाम की तख्लीक का जो आगाज़ हुआ तो वो भी बुध के दिन ही हुआ। जितने पहाड़, दरिया, समुंदर, सितारे, सूरज, चांद, कहकशाएं, इन सब की तख्लीक अल्लाह पाक ने बुध के दिन की। अल्लाह पाक ने इल्म का आगाज़ भी बुध के दिन किया, यानी अल्लाह पाक ने लोहो कलम का आगाज़ जो है वो बुध के दिन हुआ। इस्लामी मदारिस में भी जो असबाक का आगाज़ किया जाता है वो बुध के दिन से ही किया जाता है, तबर्रुक के तौर पर और बरकत के तौर पर, ताकि जो है इल्म में बरकत अता हो, उसका फैज़ हासिल हो। आज मैं जो अमल आपके साथ बुध के दिन का शेयर करना चाहती हूँ, इस अमल की बदौलत, चूँकि बुध के दिन इसका आज आप करेंगे इस अमल को, तो इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक आपको इल्म अता फरमाएंगे, आपको इल्म में आला दर्जा अता फरमाएंगे और आपके इस इल्म में तासीर पैदा फरमा देंगे। आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी, अहमियत दी जाएगी आपकी बात को, और आपकी बात में अल्लाह पाक तासीर पैदा फरमा देंगे। आपका हाफ़ज़ा मज़बूत होगा। आप मसलन ऑफिस में काम करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, दूसरे लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है, आपकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, आपकी राय की कोई वक़्त नहीं होती। आप दुकान पे काम करते हैं, ग्राहक के नज़दीक आपकी दुकान ऐसे जैसे उसको नज़र ही नहीं आती, और अगर आता है तो उसको आप कायल ही नहीं कर पाते, आपकी बात में तासीर ही नहीं होती। स्कूल में आपका बच्चा है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, उस्ताद सुनता ही नहीं उसकी बात। यानी आप घर में हैं, औरत है, वो बहू है, या वो घर में बेटी है, उसके सगे माँ बाप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, वक़्त ही नहीं। बहू की ससुराल में कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात मानता ही नहीं, उससे कोई राय नहीं लेता, और अगर लेता है तो उसकी जो है वो राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात में अल्लाह पाक तासीर पैदा फरमा दे, तो बुध के दिन जोहर की नमाज के बाद ये अमल करें और उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी ये मुश्किल हल फरमा देंगे। और ये अमल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। आपने करना क्या है कि बुध के दिन हर बुध को कोशिश करें कि ये अमल ज़रूर कर लें। जोहर की नमाज के बाद, यानी असर की नमाज से पहले पहले, जोहर की नमाज के बाद आपने या हन्नान या मन्नान, ये अल्लाह पाक के दो इस्मे मुबारक हैं, या हन्नान या मन्नान, इसको आपने 300 बार पढ़ना है, यानी 300 times, अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक के साथ। और इस अमल को अगर आप हर बुध के दिन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला चंद हफ्ते ही गुजरेंगे कि आपको इस अमल के बेहतरीन नतायज मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।